इस सीरीज में 35, 35, 35 माइनस हो रहा है, तो 439 से हम 35 माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा, 404, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। तो क्वेश्चन 4 का आंसर आ गया चॉइस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में सीरीज हमारे पास 201, 202, 204, 207। अब यहां इजाफा एक जैसा नहीं है, 201 से 202 पे गया है तो उसने 1 ऐड किया, 202 से 204 पे गया है तो 2 ऐड किया, 204 से 207 पे गया है तो 3 ऐड किया। इट मींस 1, 2, 3 का सिलसिला ऐड कर रहा है, तो 1, 2, 3 के आगे आता है 4। इसका मतलब है 4 ऐड करेंगे 207 में तो नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी 211, जो कि हमें दी हुई है ऑप्शन डी में। तो क्वेश्चन 5 का आंसर हुआ ऑप्शन डी। क्वेश्चन 8 में पहला नंबर 8 है, दूसरा 22 है, फिर 8 है, फिर 28 है, फिर 8 है, तो गोया 8 तो हर नंबर के बाद रिपीट हो रहा है। असल सीरीज क्या चल रही है, 22 और 28। तो 22 में हम 6 ऐड करें तो 28 बनता है, तो 28 में अगर हम 6 ऐड करेंगे तो 34 आ जाएगा, सो नेक्स्ट वैल्यू 34, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दो सीरीज चल रही है, ये जरा बात आप समझ लें कि दो सीरीज से मुराद क्या है। कि देखिए पहली वैल्यू 80 और फिर 10, फिर 70, फिर 15, तो एक रिदम नजर आ रहा है कि एक्चुअली क्या है, एक सिलसिला है सीरीज का 80, 70 और 60 का, और दूसरा सिलसिला है 10 और 15 वाला। अब बारी बारी वैल्यू आ रही है एक सीरीज की फिर दूसरे की, तो अब बारी किसकी है, 15 वाली सीरीज की। तो 10 में 5 ऐड करें तो 15 बनता है, और 15 में 5 ऐड करें तो यहाँ क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। इसका मतलब है कि हमारा सीक्वेंस में आंसर बन गया 20, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। तो क्वेश्चन 7 का आंसर ए आ गया। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है, दो या तीन सीरीज का मिक्सचर भी आपको दिया जा सकता है। सीरीज हमारे सामने 36, 34, 30, 28, 24, क्या चेंज आ रही है। पहले 36 से 34 में 2 माइनस हुआ है, 34 से 34 माइनस हुआ है, 30 से 28 2 माइनस हुआ है, 28 से 4 फिर 2 माइनस हुआ है। तो इट मींस अल्टरनेटली 2 माइनस, फिर 4 माइनस, फिर 2 माइनस, फिर 4 माइनस, तो अब किसकी बारी है, 2 के माइनस होने की। तो 24 से 2 माइनस होगा तो 22 आ जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 9, 22 से 21, फिर 23, फिर 22, फिर 24 और फिर 23, तो क्या रिदम है, इस पे आपने गौर करना है कि किस तरह से ये हो रहा है। 22 से 21 में माइनस हो रहा है 1, 21 से 23 प्लस हो रहा है 2, 23 से 22 फिर हो रहा है 1 माइनस, फिर 22 से 24 प्लस हो रहा है 2, फिर 24 से 23 माइनस हो रहा है 1। तो एक रिदम है, माइनस 1 प्लस 2, माइनस 1 प्लस 2, माइनस 1, तो फिर अगली बारी किसकी है, प्लस 2 की। तो 23 में 2 ऐड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, 25, जो कि ऑप्शन सी है। सो क्वेश्चन 9 का आंसर हो गया सी। क्वेश्चन 10 में सीरीज 3, 4, 7, 8, 11, 12। 3 में 1 ऐड हुआ 4 आया, 4 में 3 ऐड हुआ 7 आया, 7 में 1 ऐड हुआ 8 आया, 8 में 3 ऐड हुआ 11 आया, और 11 में 1 ऐड हुआ तो 12 आया। गया प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1 चल रहा है, तो अब बारी है फिर प्लस 3 की, तो 12 में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15। So, आंसर आ गया 15। तो इस तरह से आप जो भी सीरीज आपको दी होगी, सीक्वेंस दी होगी, उसको आप गौर से देख के फैसला करेंगे। मजीद हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में।